नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा भारत में कई लोग ऐसे हैं जो स्विच वर्ड जो होते हैं ना, स्विच वर्ड उन पर बड़ा ध्यान देते हैं। स्विच वर्ड मैजिक वॉल्फ नो स्विच वर्ड तुरंत आपका काम होगा, गिदड़ गिदड़ की आत्मा, भेड़िए की आत्मा आपका काम करेगी। अरे भाई, हमको भेड़िए की आत्मा बुला करके क्या करना है? हमारे पास भारत में, भारतीय संस्कृति में तो वेद हैं, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी, हमें क्या आवश्यकता है दूसरे भेड़ियों के कुत्तों की आत्मा से सहायता लेने की? वो तो जिनके पास सामग्री नहीं है वो लो। हमारे देश में कुछ मनीषी ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्विच मंत्रों का निर्माण किया, स्विच वर्ड्स जो होते हैं उस स्विच वर्ड का आधुनिक तरीके से वेदों के आधार पर निर्माण किया है, और यह 100% सही है कि आपने वो स्विच वर्ड उपयोग में ले लिया तो निसंदेह आपके जीवन से गरीबी टाटा बाय बाय कर करके निकल जाएगी। आपको गरीबी ज्यादा देर तक झेलने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस अब अमीरी ही झेलने की आवश्यकता है। ये स्विच वर्ड पढ़ो, बोलो, लिखो और अमीर बनो, इतना प्यारा स्विच वर्ड है। दोस्तों, ये स्विच वर्ड क्या है, मैं इसकी सारी क्रिया आपको बताता हूं। दोस्तों, लाल कलर का कोई भी स्केच पेन लीजिए, लाल कलर का कोई भी स्केच पेन लेकर के शुक्रवार के दिन से इस स्विचवर्ड को आपको शुरू करना है। शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख रख करके लाल स्केच पेन लेकर के आपको अपने हाथ पर एक मंत्र लिखना है। मंत्र क्या, यहां लिखना है। कहां लिखना है, जहां घड़ी पहनते हैं ना, यहां लिखना है। इस ये जो नाड़ी है ना, हरी हरी नाड़ी है, ये नाड़ी बीच में आ जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, इस नाड़ी बीच में आ जानी चाहिए। यहां आपको एक मंत्र लिखना है, चाहे तो आप लाल पेन से लिख सकते हैं, चाहे तो लाल वो स्केच पेन आता है ना छोटा वाला, उससे लिख सकते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं। लिखिए, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ये स्विच वर्ड आपने लिख लिया। अब क्या है, कोई भी आप पेन लीजिए, कोई भी मतलब पन्ना लीजिए, सादे पन्ने लीजिए, सादे पन्ने पर 776 बार रोज आपको ये स्विच वर्ड लिखना, ओम धनाय नमः, 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 776 बार इस मंत्र को आपको लिखना है। दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि जब आप ये लिखो और उस समय यदि कोई भिखारी आपसे भीख मांगने आ जाए, घर पे भिखारी भीख मांगने आ जाए, तो तुरंत उसे कोई ना कोई चीज दान की आप जरूर दे दिया करो आपके घर में। ये थोड़ी सी तो व्यवस्था होनी चाहिए कि चाहे रोटी दो, पानी दो, कुछ भी दो, कोई भी पुराना कपड़ा हो, कुछ भी चीज हो, उस भिखारी को तत्काल दान में दे, इधर मांगा इधर आप उसको तत्काल दान में दे दिए, बीच में छोड़ दीजिए, आपका 776 मंत्र जो बीच बीच में छोड़ दीजिए, इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वापस आकर के लिख लीजिएगा, लेकिन बीच में यदि भिखारी आ जाता तो तत्काल उसे दान करो। बस दोस्तों, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी आय का जो आधार है ना वो बदल गया है, आपकी आय के आधार बढ़ गए, आपको लक्ष्मी कई रास्तों से मिलना शुरू हो गई है। आप हारना मत कि एक दिन किया कि थक गए, कि दो दिन किया कि थक गए, कि तीसरे दिन किया कि मुझे गाली देकर के काम खान खत्म, बस इतना ही करेंगे, झूठ बोलता है, पता नहीं कहां से ले आया, क्या क्या है, कुछ नहीं होता। पक्का होगा, 100% होगा, भगवान की कृपा से होगा, ईश्वर के आशीर्वाद से होगा, मां लक्ष्मी की मेहरबानी से होगा। आप करके तो देखिए, जितना आप करते गए करते गए करते गए उतना ही आपको लाभ मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और आपका नाम यदि लगातार करते गए तो धनाढ्यों में गिना जाएगा। दोस्तों, इतना शानदार स्विच वर्ड है धरती का कि आप करके देखेंगे तो इतने लाभ में रहेंगे जितने लाभ की तो आपने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इतना सुंदर वीडियो है, लाइक करें, अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए तो शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक अच्छे अच्छे वीडियो तत्काल आपके पास ऐसे ही आते रहें। जय श्री नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।